नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं लेबर कंट्रोल पार्ट फर्स्ट। इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, कंपनी का प्रबंधक यह जानकारी चाहता है कि पिछले वर्ष श्रम निकासी के कारण लाभ में कितनी कमी आई। तो श्रम निकासी की वजह से, श्रम निकासी किसी भी कंपनी के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि श्रम निकासी की वजह से जो है लाभ में कुछ कमी आती है, एक्स्ट्रा कुछ खर्चे हो जाते हैं, जिनकी बात इस क्वेश्चन में की गई है। कुछ आंकड़े दिए गए हैं पिछले वर्ष से संबंधित। पिछले वर्ष की बिक्री 16,75,000 रुपये। तो पिछले वर्ष की बिक्री, पिछले वर्ष के संबंध में ये जानना चाहता है कि पिछले वर्ष में लाभ में कितनी कमी आई। तो पिछले वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं, पिछले वर्ष की बिक्री दी गई है 16,75,000 रुपए की और लाभ मात्रा अनुपात 20%। बिक्री की मात्रा पर जो लाभ कमाया जा रहा था वो लाभ कमाया गया था 20%। प्रत्येक श्रमिकों द्वारा, प्रत्येक श्रमिक जो उत्पादन कार्य में लगे हुए होते हैं, तो प्रत्येक श्रमिकों द्वारा कार्य पर व्यतीत किए गए वास्तविक श्रम घंटे 1,72,500 थे। ये जो 16,75,000 रुपए की बिक्री हुई है, ये 16,75,000 की बिक्री करने में जो है वास्तविक श्रम घंटे 1,72,500 थे। तो 1,72,500 घंटे जो है कार्य किया गया था, तब जाके 16,75,000 रुपए की बिक्री पिछले वर्ष हुई है। श्रम निकासी हुई है क्योंकि श्रम निकासी के कारण लाभ में कमी आई है। कितनी कमी आई है वो जानना चाह रहा है। तो श्रम निकासी हुई है और श्रम निकासी होने के कारण जो रिक्त हुए स्थान, जो स्थान रिक्त हो गए थे, तो उन स्थानों पर, रिक्त हुए स्थानों पर नियुक्ति देने में, क्योंकि श्रमिक छोड़कर चले गए, तो जब जो श्रमिक छोड़ के गए हैं उनकी जगह नए श्रमिक भर्ती किए गए, तो जब जो रिक्त स्थान हो गए थे उनकी जगह पर नियुक्ति देने में विलंब, क्योंकि कुछ समय तो लगेगा, जब श्रमिक छोड़कर जाता है तो नए श्रमिकों की जब भर्ती की जाती है तो उस भर्ती में वापस नए श्रमिकों को रिक्त हुए स्थानों पर भर्ती देने में कुछ समय लगता है। इस विलंब के कारण, विलंब होने के कारण 30,000 संभावित घंटों की हानि हुई है। अगर श्रमिक छोड़ के नहीं जाते तो 30,000 घंटे बच सकते थे, 30,000 घंटे और उत्पादन कार्य हो सकता था, लेकिन श्रमिक छोड़कर चले गए और जब नए श्रमिकों को नियुक्ति दी गई तो नियुक्ति देने पर कुछ समय लग गया, विलंब हो गई, विलंब होने के कारण 30,000 घंटों की हानि हुई है। वास्तविक श्रम घंटों में, अब जो ये वास्तविक श्रम घंटे हैं 1,72,500, ये जो वास्तविक श्रम घंटे हैं, वास्तविक श्रम घंटों में नए श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के 10,000 घंटे सम्मिलित थे। अब जो नए श्रमिक आए हैं, पिछले वर्ष जो नए श्रमिकों की नियुक्ति हुई है, उन नए श्रमिकों को भी कार्य पर प्रशिक्षण दिया गया, तो इस 1,72,500 घंटों में नए श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के 10,000 घंटे भी सम्मिलित हैं, और जिसमें से आधे अनुत्पादक कार्य घंटे हैं, अनप्रोडक्टिव हैं, और इन 10,000 घंटों में से 5,000 घंटे, आधे 5,000 घंटे ऐसे हैं जिन घंटों में कोई कार्य नहीं हो पाया, अनुत्पादक हैं, अनप्रोडक्टिव हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, इसलिए 10,000 घंटों में से जो आधा समय है वो केवल उनको ट्रेनिंग में ही निकल गया, अनुत्पादक हुआ। श्रम निकासी का विश्लेषण करने पर, और जब विश्लेषण किया श्रम निकासी का कि जो श्रमिक छोड़ के गए हैं उनका विश्लेषण किया गया, तो ये पाया गया, निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई। क्या हुई? सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लीविंग, जो श्रमिक छोड़कर गए हैं उनका जो सेटलमेंट है, जो अंतिम जो प्रक्रिया की जाती है जब कोई श्रमिक छोड़ के जाता है उसका सेटलमेंट किया जाता है, तो जो सेटलमेंट कॉस्ट है, सेटलमेंट कॉस्ट आई है उनको छोड़ने के कारण, छोड़कर जाने के कारण 10,000 रुपए की। रिक्रूटमेंट कॉस्ट, नए श्रमिकों की भर्ती के कारण जो खर्चा हुआ है 8,000 रुपए का, और जो श्रमिकों की भर्ती की गई उनमें से जो श्रमिक सेलेक्ट किए गए, चुने गए, उनके संबंध में सिलेक्शन कॉस्ट आई है 7,000 रुपए की, और ट्रेनिंग कॉस्ट आई है, जो श्रमिक सेलेक्ट किए गए हैं उनको ट्रेनिंग दी गई उनके संबंध में जो खर्चा हुआ है 5,000 रुपए का। और ये सारे खर्चे आए हैं श्रम निकासी के कारण, श्रमिक जब छोड़कर गए हैं तो छोड़कर जाने के कारण नए श्रमिकों की भर्ती करनी पड़ी, इस वजह से ये सारे खर्चे आए हैं। तो श्रम निकासी के कारण लाभों में कितनी कमी हुई उसकी हमको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉरगोन, लाभों में कितनी कमी हुई है, प्रॉफिट फॉरगोन एज ए रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर के कारण
एज अ रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर प्रॉफिट कितना फोरगोन हुआ है उसके हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अमाउंट पर्टिकुलर्स, देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर श्रमिक एक घंटे काम करता है तो उस एक घंटे काम करने की वजह से कितनी बिक्री वो कर पाता है, उसके एक घंटे की वजह से कितनी बिक्री होती है। तो वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट हमें देखेंगे टोटल प्रोडक्टिव आवर्स कितने थे, प्रोडक्टिव आवर्स पिछले वर्ष उत्पादक कार्य घंटे कितने थे, क्योंकि हम प्रत्येक श्रमिक के एक घंटे कार्य करने के कारण कितनी बिक्री हो पाई है वो उत्पादक घंटों के आधार पर ज्ञात करेंगे कि उत्पादक घंटे कितने थे, प्रोडक्टिव आवर्स कितने थे। तो टोटल आवर्स वर्कड माइनस अनप्रोडक्टिव आवर्स, पिछले वर्ष जो वास्तविक श्रम घंटे थे वो थे 172,500 घंटे, जो टोटल आवर्स जो कुल काम हुआ वो हुआ 172,500 घंटे। और अनप्रोडक्टिव आवर्स कितने थे, नए श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के कारण के 10,000 घंटे सम्मिलित हैं इस 172,500 में, और इस 10,000 में से आधे अनुत्पादक हैं जिन आधे घंटों के लिए कोई काम नहीं हुआ, यानी 10,000 में से आधे 5,000 घंटों के लिए कोई काम नहीं हुआ, अनुत्पादक हैं वो घंटे 10,000 का 50%, या फिर ऐसा कहें कि 172,500 घंटे टोटल काम हुआ उसमें से 5,000 घंटे जो है अनुत्पादक थे, 5,000 घंटे तक कोई काम नहीं हुआ, तो डिफरेंस आता है 167,500 घंटे। यानी कि पिछले वर्ष जो उत्पादक घंटे थे वो थे 167,500 घंटे। अब एक घंटे के पीछे कितनी बिक्री हो पाती है वो ज्ञात करेंगे हम, सेल्स पर प्रोडक्टिव आवर। टोटल सेल्स अपॉन टोटल प्रोडक्टिव आवर्स। तो पिछले वर्ष जो है 16,75,000 रुपए की बिक्री हुई और 167,500 घंटे उत्पादन कार्य हुआ, 172,500 घंटे काम किया गया, लेकिन इस 172,500 घंटे में से जो है 5,000 घंटे ट्रेनिंग के थे, अनुत्पादक कार्य के थे, तो इसलिए जो उत्पादन कार्य हुआ 167,500 घंटे ही हुआ और बिक्री हुई 16,75,000 रुपए की। तो एक घंटे के पीछे 10 रुपए की बिक्री होती है, जो सेल्स पर प्रोडक्टिव आवर है वो है 10 रुपए पर आवर। अब 10 रुपए एक, अगर एक घंटे काम किया जाता है तो 10 रुपए की बिक्री की जा सकती है। तो पिछले वर्ष श्रम निकासी के कारण जो स्थान रिक्त हुए थे उन पर नियुक्ति देने में विलंब के कारण कितने घंटों की हानि हुई, 30,000 घंटों की हानि हुई है। तो 30,000 घंटों की हानि हुई, यानी एक घंटे के पीछे 10 रुपए की बिक्री हो पाती है तो 30,000 घंटों की हानि हुई है, यानी कि 3,00,000 रुपए की बिक्री की हानि हुई है पिछले वर्ष। सेल्स फोरगोन, सेल्स फोरगोन ड्यू टू लेबर टर्नओवर कितनी हुई है, 30,000 घंटों की हानि हुई है। लॉस ऑफ पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स, जो संभावित
उत्पादक घंटे हैं वो हैं, उनकी हानि हुई है 30,000 घंटों की, 30,000 आवर्स, इतना लॉस हुआ है। और इस वजह से कितनी सेल्स में हानि हुई है, सेल्स फॉरगोन ड्यू टू लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर की वजह से कितनी बिक्री की कितनी हानि हुई, 30,000 घंटों की हानि हुई है। और एक घंटे के पीछे 10 रुपए की बिक्री की जा सकती थी, तो टोटल कितनी बिक्री की हानि होगी, 30,000 घंटों की हानि हुई है और एक घंटे के पीछे 10 रुपए की बिक्री संभव हो पाती, तो 3,00,000 रुपए की बिक्री की हानि हुई है। यह है सेल्स फॉरगोन। पूछा है श्रम निकासी कारण लाभ में कितनी कमी आई, तो 3,00,000 रुपए की बिक्री में कमी आई, बिक्री की हानि हुई, और बिक्री पर 20% लाभ कमाया जाता है, जो लाभ मात्रा अनुपात है वो है 20%। तो 3,00,000 रुपए की बिक्री की हानि हुई, तो 3,00,000 का 20% जो है लाभों की हानि हुई है। कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरगोन, लाभ मात्रा अनुपात कंट्रीब्यूशन कहा जाता है, ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है, और प्रॉफिट में जो है फिक्स्ड कॉस्ट भी शामिल होती है। लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि ये लाभ ही है, 20% लाभों की हानि हुई है, इसको कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। प्रॉफिट वॉल्यूम को, प्रॉफिट वॉल्यूम जो रेशियो है उसको कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो कंट्रीब्यूशन या फिर प्रॉफिट कह लीजिए इसको, तो कंट्रीब्यूशन फॉरगोन, तो कितने कंट्रीब्यूशन की, कितने लाभों की हानि हुई, 3,00,000 रुपए की बिक्री की हानि हुई, और जो कंट्रीब्यूशन है 3,00,000 रुपए की बिक्री नहीं हो पाई, 3,00,000 रुपए की बिक्री की हानि हुई, तो 3,00,000 पर 20% की दर से 60,000 रुपए की लाभ की हानि हुई। जो 30,000 घंटों की हानि हुई है, उस 30,000 घंटों में 10 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से 3,00,000 रुपए की बिक्री संभव हो जाती, लेकिन 3,00,000 रुपए की बिक्री की हानि हो गई। श्रम निकासी के कारण स्थान रिक्त हो गए, और स्थान रिक्त होने के कारण जो नए श्रमिकों को नियुक्ति दी उसकी वजह से विलंब हुआ और 30,000 घंटे की हानि हुई है। इस वजह से 3,00,000 रुपए की बिक्री की हानि हुई है, और बिक्री पर जो लाभ कमाया जाता है 20% की दर से, तो 3,00,000 रुपए की बिक्री पर 20% लाभ कमाया जा सकता था लेकिन नहीं कमाया गया श्रम निकासी के कारण, इसलिए 60,000 रुपए जो है लाभों की कंट्रीब्यूशन की हानि हुई है। साथ ही साथ श्रम निकासी के कारण कुछ खर्चे भी हुए हैं, तो ये खर्चे भी ऐड कर देंगे, क्योंकि खर्चों के कारण भी लाभ कम हुए हैं, तो ये खर्चे साथ में ऐड कर देंगे। सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लीविंग, छोड़कर जाने की वजह से जो सेटलमेंट कॉस्ट है वो आई 10,000 रुपए की। रिक्रूटमेंट कॉस्ट, भर्ती की जो प्रक्रिया हुई उसके खर्चे हैं 8,000 रुपए के। और फिर भर्ती में से, भर्ती की गई और जिन श्रमिकों का सिलेक्शन किया गया तो सिलेक्शन कॉस्ट आई 7,000 रुपए की, ये सिलेक्शन कॉस्ट है 7,000 रुपए की। और फिर ट्रेनिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट आई है जिन नए श्रमिकों को भर्ती किया गया उनके संबंध में जो ट्रेनिंग दी गई उनको, उनके उसके संबंध में कॉस्ट है 5,000 रुपए की। तो श्रम निकासी की वजह से एक तो 60,000 रुपए लाभों में कमी हुई, 30,000 घंटों की हानि हुई, उसकी वजह से बिक्री में हानि हुई, और बिक्री में हानि होने की वजह से लाभों में कमी आई है 60,000 रुपए की, और श्रम निकासी की वजह से कुछ खर्चे भी हुए हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कितना, टोटल प्रॉफिट फॉरगोन, जो टोटल लाभों की हानि हुई है वो हुई है 70,000, 78,000 और 12,000, 90,000 रुपए की। तो श्रम निकासी की वजह से कुल मिलाकर 90,000 रुपए की लाभों में कमी आई है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।